खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। अब से करीब 7 घंटे बाद लॉन्च होगा चंद्रयान 2। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत एक और इतिहास रचने वाला है चंद्रयान 2 के जरिए। मिशन चंद्रयान की लॉन्चिंग में अब कुछ ही घंटे का इंतजार है। कल शाम 6:43 पर 20 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हुई और आज दोपहर 2:43 पर चंद्रयान 2 को लॉन्च कर दिया जाएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV मार्क 3M1 रॉकेट की मदद से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण होगा। चंद्रयान 2 के 3 हिस्से हैं। पहला ऑर्बिटर जो चांद की कक्षा में रहेगा, दूसरा लैंडर है जिसका नाम विक्रम है, ये चांद की सतह पर उतरेगा, और तीसरा हिस्सा है प्रज्ञान जो कि रोवर है, ये चांद की सतह पर घूमेगा। चंद्रयान करीब 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा, जिसके बाद चांद के कई रहस्यों को जानने की कोशिश होगी। इस मिशन की लागत 978 करोड़ रुपए है। 15 जुलाई को ही इसरो प्रक्षेपण के लिए तैयार था, लेकिन उड़ान भरने से ठीक 56 मिनट पहले तकनीकी गड़बड़ी की वजह से प्रक्षेपण को रोक दिया गया था, लेकिन अब इसरो पूरी तरह से तैयार है। चंद्रयान 2 मिशन इसरो के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि पहली बार इसरो चांद पर रोवर उतारने जा रहा है और ये मिशन कामयाब होता है तो रूस, अमेरिका, चीन के बाद भारत दुनिया का 4था देश होगा जो दूसरे खगोलीय पिंडों पर रोवर उतार सकेगा। आज बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए। चंद्रयान 2 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आइए अब आपको बताते हैं चंद्रयान 2 से जुड़ी हुई अहम जानकारी। ये मिशन भारत के लिए बहुत खास है। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 15 जुलाई 2019 यानी कि आज के दिन लॉन्च होने जा रहा है और भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। चंद्रयान 1 जब गया था 312 दिन तक चांद के मिशन पर रहा और चंद्रयान 2 के लिए 1 साल का टारगेट रखा गया है जो कि चांद के मिशन पर रहेगा और उस दौरान बहुत से अध्ययन करेगा। चंद्रयान 1 3,400 बार चक्कर इसने चांद के लगाए थे और चंद्रयान 2 पहली बार चांद पर उतरेगा, यानी कि जो रोवर है उसे पहली बार लॉन्च कर रहा है इसरो। चंद्रयान 1 उत्तरी ध्रुव पर बर्फ की खोज करके लाया था, पूरी दुनिया को बताया था कि चांद पर पानी है, उत्तरी ध्रुव पर बर्फ मिली थी। चंद्रयान 2 दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा जहां पर आज तक कोई भी देश नहीं उतर सका है, तो इतिहास में पहली बार चांद के उस हिस्से पर भारत पहुंचने जा रहा है जहां पर आज से पहले कोई नहीं गया। और देखिए चंद्रयान 2 की जो सेना है किस तरह से, बाहुबली नाम का रॉकेट है, सबसे भारी भरकम रॉकेट चंद्रयान को लेकर जाएगा जो कि लॉन्चर है। उसके बाद मून ऑर्बिटर चांद की परिक्रमा करेगा, उसके चक्कर लगाएगा। विक्रम जो कि लैंडर है वो चांद पर उतरेगा। प्रज्ञान जो कि रोवर है वो चांद की मिट्टी पर चलेगा। 6 पहिए इसमें लगाए गए हैं जो चांद पर अलग अलग जगहों पर जाएगा, क्रेटर्स का अध्ययन करेगा और यहीं पर ही जो मिट्टी है, जो चट्टाने हैं उस पर शोध करेगा और उस इंफॉर्मेशन को लैंडर पहुंचाएगा ऑर्बिटर को, और ऑर्बिटर से वो सारी जानकारी इसरो यानी धरती पर बैठे हम सब लोगों को मिलेगी। तो अब करीब 6 घंटे बाकी हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है चंद्रयान 2 की और देश ही नहीं पूरी दुनिया की इस पर नजर है।